दोस्तों, एक फिल्म में आपने एक डायलॉग तो जरूर सुना होगा, काला नाग हूं मैं। दोस्तों, यहां पर बात कर रहा हूं सदाशिव अमरापुरकर की, जिन्होंने अपना फिल्मी कैरियर किस तरह से स्टार्ट किया, इस व्यक्ति के बारे में आज यहां पर हम जानकारी लेंगे। इनका अंत जो कि बहुत खतरनाक हुआ था, दर्दनाक हुआ था, एक एक सांस के लिए यह तरस गए थे, और किस तरह से ये ऑटो रिक्शा से फिल्मों तक आए। पहले ऑटो रिक्शा चलाया करते थे, फिर फिल्मों में आए थे। तो दोस्तों, सारी जानकारी आज यहाँ पर हम लेने वाले हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार, और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। सदाशिव अमरापुरकर, सदाशिव दोस्तों, जिनका जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और इनका जो बचपन का नाम था, असली नाम था, वह गणेश था। परिवार में बहुत ही ज़्यादा लाडले थे, बहुत ही ज़्यादा इनके परिवार के लोग इनको पसंद करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे यह परिवार के अंदर बड़े होने लगते हैं, और इनके अंदर कुछ ऐसी खूबियां थी, इनके परिवार के लोग भी ये कहा करते थे कि बेटा तू कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करेगा। समय गुजरता है, बड़े हो जाते हैं, बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने थिएटर करना स्टार्ट कर दिया था। छोटी सी उम्र से ही ये थिएटर किया करते थे, और दोस्तों नासिक की गलियों में इन्होंने ऑटो रिक्शा भी खूब चलाया था। जब थोड़े से और बड़े हुए तो गुजर बसर करने के लिए ऑटो रिक्शा चलाया करते थे, थिएटर भी किया करते थे, इसी तरह से इनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। अब क्या होता है, वो इंडियन नेशनल थिएटर से जुड़े थे, और इसी संस्था के एक नाटक जिसका नाम था हैंड्स अप, उसमें इंस्पेक्टर का रोल कर रहे थे, इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे थे, और उस नाटक को देखने के लिए यहाँ पर गोविंद नेहलानी जो डायरेक्टर थे वो आए थे, वो इन नाटक को इसको देख रहे थे। और फिर क्या होता, जब नाटक ख़त्म होती है तो जो इंस्पेक्टर का रोल था सदाशिव का, वो इनको बहुत पसंद आता है, और फिर ये उनसे बात करते हैं, और उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी फिल्म में काम देना चाहते हैं, क्या तुम हमारी फिल्म में काम करोगे। उस समय इनकी फिल्म बन रही थी अर्ध सत्य, तो अर्ध सत्य में उनको रोल दे दिया जाता है, और दोस्तों विलेन का रोल इनका होता है, और विलेन का रोल इतना फेमस होता है उस फिल्म में, रातों रात ये कामयाबी के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। इनको अवार्ड भी मिलता है इस फिल्म में, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड भी इनको मिलता है। और दोस्तों, जैसे ही ये फिल्म चलती है, उसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक फिल्में अब इनको मिलने लगती हैं। सड़क फिल्म में महारानी का जो किरदार है, सभी लोगों को आज तक भी याद है, अभी तक भी लोग नहीं भूले हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो महारानी का किरदार था, बहुत ही एक तरह से सटीक और भयंकर कह सकते हैं जिसको, इतना था। और दोस्तों, पुराना मंदिर फिल्म थी, उनमें इनका किरदार था वॉचमैन दुर्जन सिंह का। दुर्जन सिंह के किरदार को भी लोग अभी तक नहीं भूले हैं, अभी तक लोगों को याद है, बहुत ही फेमस और बहुत ही एक अच्छा किरदार था। ऐलान जंग में उनका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, काला नाग हूँ मैं, यह डायलॉग उनका बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, लोगों की जबान पर यह डायलॉग उस समय रहा करता था। दोस्तों, धर्मेंद्र उनको अपने लिए बहुत लकी मानते थे, धर्मेंद्र जी हैं, अपने लिए इनको बहुत लकी मानते थे, इसलिए दोनों ने मिलकर 11 फिल्में तकरीबन कर डाली थी। सदाशिव ने 1974 में सुनंदा नाम की एक लड़की से शादी की, सुनंदा नाम, जो सुनंदा बहुत ही खूबसूरत थी, उनके साथ शादी की। उसके बाद इन्होंने अपना घर बसाया, और फिर फिल्मों में अपना नाम करते चले गए। धीरे धीरे एक के बाद एक इनको कामयाब फिल्में मिलती चली गई। दोस्तों, अब इनकी मौत की कहानी यहाँ पर जान लेते हैं, कामयाबी का सफ़र तो हमने यहाँ पर जाना है। कम उम्र में ही इनको फेफड़ों की गंभीर बीमारी थी, लेकिन फिर भी फिल्मों में काम किया करते थे, परेशान रहा करते थे, सांस सांस आना मुश्किल था, लेकिन फिर भी काम किया करते थे, पेट को पालना और फिर पॉपुलैरिटी को छूना भी ज़रूरी था। दोस्तों, छोटी सी उम्र में इनको बीमारियों ने घेर लिया था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, इसलिए सिनेमा से दूरी बढ़ा ली थी बुढ़ापे में, यानी कि जब इन्हें फिल्मों से निकलना था, सांस की वजह से दिक्कत हो रही थी, सिनेमा से दूर हो गए थे। वो 2 साल के लिए अमेरिका भी चले गए थे, और काफ़ी अपने उस प्रॉब्लम का, उस बीमारी का इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम वहाँ पर इनको नहीं मिलता है, खूब इलाज कराया जाता है। साल 2014 इनके लिए बहुत ख़राब रहा था, क्योंकि इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और जल्दी ही इनको डिस्चार्ज भी करा लिया गया था, लेकिन उसके बाद अक्टूबर में फिर इनको फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, और फेफड़ों में इन्फेक्शन इतना हैवी था कि इनको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, वो सांस भी अच्छी तरह से नहीं ले पा रहे थे। अब दोस्तों, 2 हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में एक एक सांस के लिए जूझते रहे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, एक एक सांस के लिए जूझ रहे थे और मौत का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी सांस अंदर ही नहीं जा रही थी, सांस को लेने में बहुत जोर पड़ रहा था,
और सांस छोड़ तो दिया करते थे लेकिन वापस अंदर खींचा नहीं जा रहा था। सोचो कितनी तकलीफ होगी उस समय इनको जब सांस अंदर नहीं जा रही थी। इसके बाद इनको वेंटिलेटर पर रखा गया और डॉक्टर ने इन्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन डॉक्टर इनको नहीं बचा पाए और फिर 3 नवंबर 2014 के दिन बीमारी से लड़ते लड़ते सदाशिव के शरीर ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। 64 साल की उम्र में ही एक दमदार एक्टर की मौत हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से इनका सफ़र रहा, कामयाबी को भी खूब छुआ। एक ऑटो ड्राइवर थे, ऑटो ड्राइवर से फिल्मों तक आए, विलेन के रोल खूब किया करते थे, कॉमेडी के भी रोल खूब किया करते थे, लेकिन जब बीमारी से ज़्यादा त्रस्त हुए, परेशान हुए तो इन्होंने फिल्मों को छोड़ दिया क्योंकि सांस लेने में बड़ी मुश्किल इनको होने लगी थी। और जब हॉस्पिटल में पड़े हुए थे तो एक एक सांस के लिए जूझ रहे थे, तड़प रहे थे। और फिर दोस्तों 64 साल की उम्र में इनका अंत हो जाता है, इनका देहांत हो जाता है, भगवान के पास चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें शिक्षा यही मिलती है कि कितनी भी कामयाबियाँ छीलो, कितनी भी कामयाब हो जाओ, लेकिन अंततः मौत का सामना तो करना ही पड़ता है, वह एक अटल सत्य है। तो इसलिए अंत में इंसान के सिर्फ भलाई और बुराई जाती है। कभी भी जीवन के अंदर ऐसा कृत्य ना करें कि आपकी मौत, हमारी मौत के ऊपर लोग ये कहें कि अच्छा हुआ गुजर गया। हमेशा लोगों की आंखों में नमी बनी रहे, इस तरह का कुछ काम करके जाना चाहिए इस संसार के अंदर। दोस्तों यहाँ पर सदाशिव जी ने बहुत ही अच्छा काम किया था, अभी तक लोग उनकी फिल्मों को देखकर एंटरटेनमेंट करते हैं और अपना मनोरंजन यहाँ पर भरपूर मात्रा में करते हैं। दोस्तों आपको इनकी कौन सी फिल्म में इनका काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा ज़रूर कि आपको इनका काम जो है वो कौन सी फिल्म में सबसे अच्छा लगा था। तो दोस्तों ऐसी तरह की घटनाएं, इसी तरह की स्टोरीज मैं लेकर आता हूं जो कि फिल्मों के ऊपर आधारित होती हैं, फिल्मों के कलाकारों के ऊपर, किस तरह से किसी का जीवन गुजरा, किस तरह से किसने कामयाबी प्राप्त की, इसी तरह की स्टोरीज मैं यहां पर लेकर आता हूं और बहुत सारी स्टोरीज मैं यहां पर लेकर आने वाला हूं। आप हमारे चैनल को और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे, ऐसी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।